राग पूर्वी। राग पूर्वी की उत्पत्ति पूर्वी थाट से ही हुई है, अतः इस राग को पूर्वी थाट का आश्रय राग कहा जाता है। इस राग में ऋषभ और धैवत यानी रे और ध, ये दोनों स्वर कोमल प्रयोग किए जाते हैं तथा दोनों मध्यम यानी शुद्ध म और तीव्र म प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में हमेशा तीव्र मध्यम यानी तीव्र म प्रयोग किया जाता है तथा अवरोह में दोनों मध्यम यानी शुद्ध म और तीव्र म प्रयोग किए जाते हैं। इस राग के आरोह और अवरोह में सात सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है। इस राग का वादी स्वर गंधार अर्थात ग है और संवादी स्वर निषाद अर्थात नी है। इस राग का गायन समय दिन का अंतिम प्रहर है। यह गंभीर प्रकृति का राग है। इसकी चलन अधिकतर मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक में होती है। राग पूर्वी के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए आरोह। नी सा रे अब सुनिए अवरोह। इस राग की पकड़ इस प्रकार है। नी सा रे गा मा गा रे गा रे अब प्रस्तुत है राग पूर्वी की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है इस राग की स्वर मालिका की स्थाई। नी रे गा रे गा पा अब प्रस्तुत है इस स्वर मालिका का अंतरा। मा मा गा गा मा मा धा मा धा सा 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 रे सा सा मा मा गा गा मा मा धा मा धा सा
सा सा सा सा रे सा सा नी रे ग नी रे नी म म ध म ग ग म ग रे सा नी रे ग नी रे नी म म ध म ग ग म ग रे सा नी रे ग रे ग प प प प ध म प म ग म ग नी रे ग रे ग प। अभी आपने सुनी राग पूर्वी की स्वरमालिका। अब सुनिए इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं सदा ही सत्य वचन हम बोलें। पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई। सदा ही सत्य वचन अब प्रस्तुत है इस रचना का अंतरा। सदाचार के पथ पर चल कर सदाचार के पथ पर चल कर जीवन के आदर्श संजो अभी आपने सुनी राग पूर्वी की स्वरमालिका और साथ ही सुनी इस स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। राग रस